समाज में आपकी एक विश्वसनीयता है। और मेजर ध्यानचंद की ओर आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूं, हॉकी के खिलाड़ी को उन्हें एक हॉकी लीजेंड के रूप में सारे विश्व में पहचाना हुआ था। और वह मेजर ध्यानचंद जब जर्मनी में खेलने गए थे तो उस समय का शासक वहां का हिटलर हुआ करता था। हिटलर ने देखा कि अपने हॉकी के स्टिक के माध्यम से जैसे लगातार 16 घंटे तक बॉल जो होता है उसको इधर उधर कठिनाई तरीके से मेजर ध्यानचंद करते रहे, तो हिटलर ने वह प्रस्ताव रखा मेजर ध्यानचंद के सामने, जो कि भारत माता की ही कोख से पैदा हुए थे, कि नव्वर तुम भारत के रहने वाले हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं छोटी मोटी कोई नौकरी करता हूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है यदि सर्विस यदि करना है, नौकरी भी करनी है, तो तुम जर्मनी में आ जाओ, तुमको मैं बहुत बड़ा ओहदा दूंगा और बहुत बड़ी धनराशि भी वेतन के रूप में तुमको मुहैया कराऊंगा। जानते ही मेजर ध्यानचंद ने क्या कहा था, भारत जिस मिट्टी में खेलकूद कर मैं बड़ा हुआ हूं और सारी दुनिया में आज मुझे यश और ख्याति प्राप्त हो रही है, उस मिट्टी के साथ अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकता, भले ही जर्मनी में आकर हमें सब कुछ मिल गया। वह एक राष्ट्रवादी भावना यदि देखने को भी कहीं मिलती है तो खिलाड़ियों में हमको विशेष रूप से वह राष्ट्रवादी भावना देखने को मिलती है। वह ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में और अपने राज्य में ही जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनका सम्मान होता है, बल्कि यदि अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल होते हैं उसमें भी वह अपने देश का नाम रोशन करते हैं। किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से कोई हैसियत उनकी कम नहीं होती है, देश के योगदान के मामले में। और मैं समझता हूं कि सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।